और भैया जी कैसे हो आप सब, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एंड कैसे हो आप सब बता देना कमेंट करके। एंड यार सबका दुख यही है और मेरा भी यही दुख है यार, यूट्यूब पे मेरे व्यूज़ नहीं आ रहा है तो सबसे बड़ा दुख ये है। एंड दूसरा दुख ये है कि गेहूं वगैरह देख सकते हैं सामने कि एकदम प्रॉपर तरीके से हो चुका है एंड काटने की भी तैयारी हो ही रही है। तो मौसम देख रहे हो, मौसम बेहाल हो गया, लग रहा है कि बारिश हो जाएगी। तो फिलहाल कल वाली वीडियो जिसने अगर नहीं देखी है तो जाके देख लेना इस वीडियो के बाद। हाँ एंड वीडियो के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं मम्मी को जाना है ब्लड टेस्ट कराने, मम्मी की थोड़ी तबीयत सही नहीं मेरी लग रही है। एंड चलते हैं मम्मी को ब्लड वगैरह टेस्ट कराते हैं एंड क्या क्या करने वाले हैं गाँव का, तो बने रहे सब ब्लॉग में। सो चलो यार वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। भैया जी निकल गए हम मम्मी को दवा के लिए, तो मम्मी हमारी आगे वही जा रही है सामने, मैं दिख नहीं रही बीच में। और ये देख सकते हैं हमारे गांव का तालाब साइड का रोड है। और आज मौसम ऐसा हो गया है कि पूरी चारों तरफ से पूरा बारिश होने वाला है। और पहले चलते हैं मम्मी को दवा लेके आते हैं। ऐसा नहीं होगा कि बरसात का मौसम क्या सीन है हो रहा है, क्योंकि सबका गेहूँ इस टाइम कट रहा है, दवा भी रहा है। अरे टाइम पर टाइम बरसात का है, कुछ समझ नहीं आता है। एंड मम्मी हमारी आगे है तो चलिए चलते हैं। लेकिन ये रोड देखिए यार, कैसे हम गाड़ी चला रहे हैं इधर ले जा। यानी आई हूँ मेलकुंडा मार्केट में भाई लोग, बरसात में देखते देखते हम आए एंड मम्मी का ब्लड वगैरह निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे दिव्यांश पैथोलॉजी बेलकुंडा बाजार आजमगढ़, तो आप लोग भी आए यहाँ पे ब्लड वगैरह निकलवा लें और चेक बहुत अच्छा होता है, तो चेकअप वगैरह करा लेते हैं फिर चलते हैं दवा लेते हैं। और उधर नानी भी हैं साथ में मम्मी। ओके गाइस, मम्मी को दवा मतलब ब्लड टेस्ट कराने के बाद हम वहाँ से निकल गए हैं दूसरी तरफ या दोस्तों के साथ। प्रभाकर भाई इधर है और विनोद भाई और सचिन भाई उधर हैं, दो लोग जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट में, कुछ काम है थोड़ा सा एंड काम भी करा लेंगे और सोच रहे हैं टिकिया वगैरह खाने के लिए। तो चलते हैं यार, मौसम बहुत बेकार हुआ था सुबह के टाइम, इतने बार जाके शाम को टाइम इतना खूबसूरत मौसम हुआ कि क्या ही बताएं। तो इधर पूरा देख सकते हैं गेहूँ वगैरह पूरा एकदम बढ़िया से सूख साख रहा है। एंड हम चलते हैं आगे आए गाइस, तो हम चलते हैं आगे खाने पीने की तरफ। क्या परेशानी है आपको, क्या परेशानी है? अच्छा सेल्फ नहीं उठा रहा है, तो गाइस चलते हैं। भाई का सेल्फ खराब हो गया है। भाई की बैटरी जल गई है, तो भाई की बैटरी लगवाते हैं फिर उसके बाद। बैटरी जल गई बताइए, भाभी है घर पे भी भैया की बैटरी। अरे खुली है। यही कुछ है आरके हीरो हुंडा वर्कशॉप, तो बनवाते हैं फिर मिलते हैं। गाड़ी तो बनी नहीं, बंद कर गड़िया बंद कर रही है। धुल गई है एंड अविनाश भाई पहुंचा तो चलते हैं अब टिकिया गाने। यहाँ पे टिकिया आ गई है भाई, सभी लोग खाते हैं फिर खाने के बाद मिलते हैं आपको। नागिन मनोतर आई जाइबा। तो गाइस इधर हम लोग गेहूं काट रहे थे और
गेहूँ काट रहे थे और सुबह ऐसा सीन हुआ है कि सुबह तक काटे हैं 10-11 बजे तक, 11 बजे के बाद लगी है बारिश होने, इसीलिए हम लोग पूरा छोड़ दिए हैं और इतना आज हम लोग काटे हैं यहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक, कल सुबह उतना उधर का काटेंगे। और आज का पूरा ब्लॉग यही था, आई होप आप लोगों को कैसा लगा होगा कमेंट करके बता देना, एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।